डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है कि वो जो शिक्षक कह रहा है वो सच है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का एक भी पन्ना नहीं लिखा है, तो लोगों को शायद ये अब भ्रांति क्लियर हो जाए। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आज का ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत बड़े पैमाने पर वायरल कर रहे हैं। ये वीडियो किसी नवोदय स्कूल का है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर का प्रोग्राम वहाँ पर है, और उस प्रोग्राम में कोई शिक्षक ये दावा कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का एक पन्ना भी नहीं लिखा। बहुत लोगों को भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। तो ये वीडियो हमारे अनपढ़ लोग अगर फॉरवर्ड कर रहे होते तो शायद हम समझ सकते थे, लेकिन ये वीडियो पढ़े लिखे लोग भी बड़े पैमाने पर वायरल कर रहे हैं और उसके नीचे कुछ कमेंट लिखकर कह रहे हैं कि इसके ऊपर केस होनी चाहिए या इसको जेल में डालना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को इस जो उनका कहना है वो आपको बताने के लिए आया हूं, और मैं आपको ये भी बताने के लिए आया हूं कि वो जो शिक्षक कह रहा है वो सच है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान का एक भी पन्ना नहीं लिखा है। शायद आपको फिर शौक लगेगा। सही बात है, बाबा साहब अंबेडकर जी वॉज नॉट द राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो राइटर नहीं थे, वो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिखने वाले नहीं थे, वो रचेता थे, संविधान के रचेता थे। और जिन राय ज्यादा की ये बात कर रहे हैं, संविधान पूरा निर्माण करने के बाद, पूरा संविधान निर्माण करने के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार इस संविधान को तैयार करने के बाद, निर्माण करने के बाद, एक कैलीग्राफी में एक्सपर्ट जो है, हैंडराइटिंग जिसकी अच्छी है, उसको हायर किया गया, पैसे देकर उसको हायर किया गया। और ये जो राय ज़ादा जी है, ये कैलीग्राफर है, उनकी हैंडराइटिंग के लिए वो संविधान जो बाबा साहब ने निर्माण किया था वो इनसे लिखवाया। इसलिए बाबा, ये जो शिक्षक कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान का एक पन्ना भी नहीं लिखा है, तो ये सही है। बाबा साहब संविधान का पन्ना लिखने नहीं, निर्माण करने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी में थे, बाबा साहब चेयरमैन थे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत के देश का संविधान निर्माण किया है, इसलिए बाबा साहब को राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे आज हम इस बिल्डिंग में मैं रहता हूं, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कोई अलग होता है, और इस बिल्डिंग के ईंट रखने वाला, सीमेंट लगाने वाला, पेंट करने वाला, वायरिंग करने वाला अलग होता है। तो बाबा साहब आर्किटेक्ट थे और राय ज़ादा जी जो थे वो लेबर थे, लेबर इन द सेंस उनको ये संविधान जो पूरे ड्राफ्टिंग कमिटी ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने निर्माण किया है, वो लिखने के लिए इनको हायर किया गया था। अब दिक्कत यह है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम, उनके पास अपना कोई महापुरुष नहीं है, उनके पास अपना कोई महापुरुष न होने के वजह से वो ऐसे भाड़े से लाए हुए महापुरुष लोगों के बीच में रुझाना चाहते हैं, उनको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन भारत का इतिहास है, लोगों से छुपा नहीं है, सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। राय ज़ादा जी के लिए भी आप गूगल कर लो, आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ एक राइटर थे, कैलीग्राफर थे, कैलीग्राफी में वो अच्छे तरह से वो लिखते थे। ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में है, आपको याद होगा मेरा लाइव वीडियो मैंने किया था वहां पर, ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि हमारे पास जो कॉपीज है संविधान की वो टाइप्ड है, उसमें कैलीग्राफी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कैलीग्राफी में लिखी हुई संविधान की कॉपी ब्रिटिश म्यूजियम में है, जो मैं आपको लाइव करके बताई है, और वहां पर फिर वो कैलीग्राफी करके वो सारा जो ड्राफ्ट है वो लिखा गया और फिर वो संविधान अर्पण किया गया। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग, जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब, ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, इसमें बाबा साहब का कहीं अपमान नहीं है। ये जो राय ज़ादा जी हैं वो हायर किए गए थे, भाड़े से लाए हुए थे, और उनको ये काम सौंपा गया था कि बाबा साहब ने निर्माण किया हुआ संविधान अच्छे डिजाइनर लैंग्वेज में, डिजाइनर इसमें आप वो लिखे और वो जतन की, वो अर्पण किया जाए।
तो लोगों को शायद ये अब भ्रांति क्लियर हो जाए। अननेसेसरी हम लोग कोई भी वीडियो बिना सोचे समझे उसको वायरल करते रहते हैं, और ये जो लोग हैं जो अपनी ब्राह्मणिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, बाबा साहब को हटाकर रायजादा को वहां पर रखना चाहते हैं, वो हम लोग ही कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये आज वीडियो में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ब्राह्मणिकल सिस्टम बहुत सारे ऐसे भाड़े से लाए हुए जो महापुरुष है उनको एस्टैब्लिश, उनको महापुरुष बनवाना चाह रही है भाड़े से लाए हुए लोगों को। तो कभी ये रायजादा को उठा लेते हैं, तो कभी ये माफी मांगने वाले लोगों को स्वतंत्र वीर के नाम से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो लोगों को यही मैं बताने के लिए आया हूं कि रायजादा वॉज जस्ट अ पेड लेबर, ही वॉज अ पेड लेबर, पेड उनकी उनकी कला है, उनकी कला का सम्मान होना चाहिए। आज भी कई सारे कैलीग्राफी करने वाले लोग होते हैं, हमें उसकी जरूरत होती है। जैसे हमारे सभाएं होती है, तो सभा होने के बाद हम लोग वॉल पेंटिंग करवाते हैं, तो वॉल पेंटिंग करते समय जो लोग पेंटर वहां पर जाकर पेंट करते हैं, क्या हम उन्हें भी हम भारत के संविधान का रचयिता कह सकते हैं, क्या चीफ आर्किटेक्ट कह सकते हैं? ही वॉज जस्ट अ लेबर, रायजादा एक लेबर है, और लेबर का उन्होंने अपना काम किया। उन्हें संविधान की जो आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं वो उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि उतना नॉलेज, उतना प्रबुद्ध दिमाग उनके पास होना चाहिए। उनकी एक्सपर्टाइज सिर्फ लिखने की थी, कैलीग्राफी की थी, डिजाइनिंग अल्फाबेट्स लिखने की थी, तो वो उन्होंने उनका काम किया, उनका उनको पैसा मिला, उन्होंने अपना काम किया। तो ये जो लोग हैं, ऐसे मानसिकता के लोग जो बच्चों में, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अब ये नवोदय स्कूल है, सीबीएसई के स्कूल है, अब आपके कितने भी स्कूल है, ये सारी ब्राह्मणिकल सिस्टम के अंडर चली गई है, और इसलिए ये अब नया इतिहास लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं हमेशा ये बताता रहता हूं कि जिस तरह से नवोदय स्कूल है, जिस तरह से अलग अलग स्कूल्स है, उस तरह से हमारी स्कूल्स होनी चाहिए, और जहां पर हम अपना सच्चा इतिहास लोगों को बता सके। तो आज मैं सिर्फ यही बात का खंडन करने के लिए आया था कि अगर अनपढ़ लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे होते तो शायद मैं इसके ऊपर कभी ये विषय नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं है। और लेकिन ये विषय हमारे पढ़े लिखे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस बात का मुझे दुख होता है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी इतिहास पता नहीं है, चल रहा वो छानबीन नहीं कर रहे और इसे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। और इसलिए मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर राइटर नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही बात मैं आप लोगों को क्लियर करने आया था, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।